आई थिंक एनी इंडियन हु वरीज अबाउट नेशंस इमेज इन द वर्ल्ड शुड वरी इट हैज टू मेनी इकोस ऑफ द ईयर्स व्हेन जर्मनी वाज मूविंग टुवर्ड्स नाजी रूल ये शब्द हैं नोबेल लॉरेट अभिजीत के उन्होंने जे में जो हिंसा हुई उसके बाद ये कहा उन्होंने इस बात की चिंता व्यक्त की कि जिन लोगों को देश की विश्व में जो छवि है उसके बारे में थोड़ी भी चिंता है उन्हें परेशान होना चाहिए उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा समानता उन दिनों की है उन सालों की है जब जर्मनी नाजी रूल की तरफ बढ़ रहा था इन्हीं शब्दों के साथ हम आज खोज खबर में आपका स्वागत करते हैं हमने आपने इस देश ने और पूरी दुनिया ने देखा कि जे में क्या हुआ कौन लोग थे करने वाले इनके भी बारे में बहुत सी जानकारियां धीरे धीरे बाहर आ रही हैं हम तक आप तक पहुँच रही हैं जिनके बारे में हम बात भी करेंगे इस प्रोग्राम में उससे पहले आखिर क्यों जे को इस तरह से टारगेट किया गया क्यों जे में हिंसा की गई मकसद क्या था हिंसा करने वाले कौन लोग थे उनकी विचारधारा क्या थी यह कम से कम हिंसा करने के बाद जिस तरह के नारे कैंपस में लग रहे थे पुलिस की संरक्षण में जिस तरह से वो लोग खड़े थे और जब तक हम और आप बात कर रहे हैं तब तक किसी का भी गिरफ्तार न होना बहुत साफ बताता है कि इसके पीछे सत्ता का संरक्षण था वरना दिल्ली पुलिस जो बिना किसी बुलावे पर जामिया और उत्तर प्रदेश में एमयू में वहां की पुलिस घुसती है छात्रों की पिटाई करती है वही पुलिस जे में जब लाठियों से हथौड़ों से लोगों के सर फोड़े जा रहे थे उस समय कहां थी ये हम सब ने देखा है ये कौन लोग हैं जो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को और तमाम और विश्वविद्यालयों को टारगेट करना चाहते हैं इनकी राजनीति क्या है इसके पीछे साजिश क्या है क्या यह अचानक ही हुआ कम से कम इतना तो साफ हो गया है जिन लोगों ने देखा उस दिन देश के गृहमंत्री अमित शाह को बोलते हुए दिल्ली में जब वो यहां से शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली में अपने चुनावी बिगुल बजा रहे हैं बूथ सम्मेलन कर रहे हैं वहां देखिए उनकी शब्दावली क्या है वहां पर उन्हें याद आता है जेनयू उन्हें याद आता है टुकड़े टुकड़े गैंग और योगी आदित्यनाथ जहां बात करते हैं बदले की यहां पर हमारे देश के गृहमंत्री बात करते हैं सबक सिखाने की क्या यह महज इतफाक है कि महज चंद घंटों के बाद जे में ये नकाबपोश घुसते हैं हिंसा करते हैं खून बहाते हैं बड़े पैमाने पर टारगेटेड हिंसा करते हैं जो खबरें अभी आई हैं उसे पता चलता है कि हॉस्टल के कुछ कमरों को चुन चुनकर निशाना बनाया गया था ये कमरे वहां वो थे जिनमें या तो दलित और अल्पसंख्यक रहते थे या वामपंथ के समर्थक छात्र रहते थे ये जो चुन चुन कर लोगों को सबक सिखाना लोगों का खून बहाने की राजनीति है इससे देश के गृह मंत्री या जो पूरी सत्ता है आखिर हासिल क्या करना चाहती है इसके साथ ही एक बहुत अहम सवाल जो कम से कम देश की राजधानी के निवासियों को सोचनी चाहिए कि जब ये हाल देश की राजधानी का है हिंसा होने के बाद प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री पूरी तरह से आपराधिक चुप्पी बनाए रहते हैं किसी को भी पकड़ा नहीं जाता किसी दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती जबकि पूरे व्हाट्सएप ग्रुप का खुलासा होता है जहां योजना बन रही है कि, कि किस तरह से इस गेट से घुसना है इस तैयारी के साथ घुसना है दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा का प्रोफाइल सामने आता है जो बोल रही है कि मेरा चेहरा सामने आ गया है लेकिन मुझे बचाना जरूरी है मेरे बारे में ज्यादा बात ना की जाए ये सब जब चल रहा है उस समय देश के प्रधानमंत्री अपनी चिर परिचित अंदाज में चुप्पी बनाए हुए हैं आखिर क्यों वे क्या हासिल करना चाहते हैं क्या इसका संबंध कहीं ना कहीं दिल्ली में जो चुनाव होने वाले हैं उससे है ये जो मॉब है ये जो लिंचिंग मॉब जे में उतरी है पहली बार लिंचिंग मॉब इस तरह से खुलेआम जे में उतारी गई है इसका मकसद कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के चुनाव में जे के खिलाफ जो नफरत फैलाने की कोशिश लंबे समय से भाजपा और संघ और तमाम और संगठन करना चाहते हैं कर रहे हैं उसे चुनाव में भुनाना है कम से कम जे एन का जो पूरा प्रकरण हुआ है जिस तरह से हिंसा हुई है उससे बहुत साफ है हमने वहां पर उस रात वहाँ पर जो पढ़ाते हैं उनसे बातचीत की छात्रों से बातचीत की पढ़ाने वालों का कहना है कि इस तरह का माहौल उन्होंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखा जहां पर खुली छूट थी पुलिस को बुलाया जा रहा था पुलिस आ नहीं रही थी इनकी बात सुनना जरूरी है और साथ ही साथ यह सोचना जरूरी है कि हम और आप यह सोच के क्या खुश हो सकते हैं या राहत में हो सकते हैं कि हम जेन नहीं हैं क्या इस बात की गारंटी है कि ये जो लिंचिंग मॉब है यह कल आप तक और हम तक पहुंचेगी नहीं आइए सुनते हैं कि उस रात शिक्षकों का क्या कहना था आज जो हुआ इसका हमें कल ऐसे तरह सेंसिट कल समझ में आया थे कल से शुरुआत हुई थी क्योंकि मैं कल जब दो बजे एस एल गेट पर पास आया तो 20 पच्चीस जो रिसेंटली मोस्ट ऑफ देम रिसेंटली रिक्रूटेड टीचर है और कुछ चार मतलब कुछ स्टूडेंट भी थे दे वर मूविंग लाइक अ मॉब एस एल की तरफ आए और वो स्टूडेंट के साथ लड़ने लगे झगड़ने लगे और उनको गालियाँ दी उन्होंने बुरी बुरी गालियाँ तो कुछ स्टूडेंट गुस्से में कुछ बोले तो फिर उनको मार पीटना शुरू कर दिया एंड uh, उसके बाद एक स्टूडेंट वो उन्होंने दौड़ाया आई मीन दे लिटरली लिंच हिम और वहाँ पे जब चार पांच लड़के उस स्टूडेंट को बचाने के लिए आए तो कुछ टीचर भी उन लड़के को लात लाते गुस्से मार रहे थे वो एक हादसा हुआ कल फिर मुझे लगा कि इट्स वेरी डिस्टर्बिंग और मैंने सब रिपोर्ट किया टीचर एसोसिएशन को और फिर हमने आज पीसफुल uh, एक धरना हमने यहाँ पे प्लान uh, किया था उसके बाद आज हमें लगा कि कुछ तो चल रहा है क्योंकि तीस तीस चालीस चालीस स्टूडेंट रॉड्स और लाठी लेकर घूम रहे थे कैंपस पे जनोटा का जो फैकल्टी है उनका एक प्रोटेस्ट था और कल से ही कुछ ना कुछ यहाँ पे इंसिडेंसेस हो रही थी बिटवीन ए बी स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स और आज तो मतलब हद ही हो गई है मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है अस्सी लोग लड़के और आदमी बाकायदा मुंह पे हैंकरचिप बांधे हुए हैं लिए हुए हैं और जिस तरह से वो अंदर आए हैं और सिक्योरिटी यहाँ पे जो लगी हुई है सुना है कि वो कमांडोज़ हैं एक्स आर्मी के उनके रहते कैसे वो अंदर आए हैं प्रशासन के होते हुए वो कैसे वहाँ पर बहार के सामने खड़े होकर ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अपने आप को तो और प्लान अटैक कर रहे हैं ये हो ही नहीं सकता कि ये कहीं कहीं से आके छुप के किया इनको खुली छूट मिली थी और के आइए और आप ये जो स्टूडेंट्स एजुकेट करें दिनों से जो नहीं बात मान रहे हैं बी के डिक्टेट्स को वो नहीं मान रहे हैं बी उनसे दो साल से बात नहीं कर रहा है वो ये फ्रस्ट्रेशन दिखाता है बी की और एडमिनिस्ट्रेशन की कि हर चीज़ करने के बावजूद स्टूडेंट अड़े हुए हैं तो अब हम क्या करें तो बस ये अब उतर आए हैं आई थिंक इस पे बस मारा पीटा जाए। जैसे पत्थर आपको आसपास मिलेंगे नहीं जिससे आपका सीधा ही सिर फट जाए वो उसकी बौछार कर दी दो चार छः पत्थर नहीं पत्थरों की बौछार और वो जो बौछार से लोगों ने भागना शुरू किया हम 35-40 टीचर्स आगे थे पर हमारे पीछे 300-400 विद्यार्थी जो साबरपति टीम वर्क की मीटिंग अटेंड कर रहे थे वो जो मेहम हुआ स्टोन पेल्टिंग से और भागना शुरू किया उसके बाद जो ये सत्तर लोग थे इन्होंने अपनी लाठी और जो भी इनके पास औजार थे इससे पूरा अटैक लॉन्च कर दिया जो जहां मिला उसको अटैक किया अकेला जाता जो शीशा गाड़ियां पूरा यूनिवर्सिटी एरिया में जो चीज आई उसको वेंडलाइज किया कैंटीन शीशे हॉस्टल के गेट हॉस्टल के दरवाजे कारें वे डराना चाहते थे तो क्या हम डर गए कम से कम अभी जिस तरह का प्रतिरोध सड़कों पे दिखाई दे रहा है गुस्सा दिखाई दे रहा है देश और विदेश में आंदोलन की आवाज़ें तेज़ हो रही हैं लोग बयान दे रहे हैं उससे एक बात तो साफ है जो भय का माहौल जे पर हमला करने वाला चाहते थे वैसा हुआ नहीं है विरोध बहुत तेज हुआ है और ऐसे कोनों से विरोध हुआ है जहां से शायद इस सरकार को उम्मीद नहीं थी मुंबई की जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो फिल्मकार हैं तमाम और लोग हैं वे लोग तो सामने आए ही आए हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही जे में हिंसा होती है उसके तुरंत बाद जेन खुद को बचाने के लिए एकजुट होता है और जे ही नहीं लोकतंत्र को बचाने वाली ताकतें जे में पहुंचती हैं लखनऊ में पहुंचती हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहुंचती हैं और हर कोने से यह मांग उठती है कि सरकार के संरक्षण में जो हिंसा हो रही है यह हर हाल में नाकाबले बर्दाश्त है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता हालांकि एक खतरा जो अभी जे पर या यूं कहिए कि तमाम और जो विजडम के सेंटर्स हैं ज्ञान के जो केंद्र हैं उन पर मंडरा रहा है वह यह है कि यह सरकार लगातार उन्हें निशाने पर लिए हुए है वे चाहती है कि इन विश्वविद्यालयों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वे पढ़ाई लिखाई छोड़कर बाकी सारे काम करें और जेएनयू के बारे में तो मुझे लगता है कि एक जो साजिश रची जा रही है कि इसे किसी भी तरह से बंद कर दिया जाए जिसे कहते हैं साइन कर दिया जाए एक बात जो हमें ध्यान रखनी है कि इस समय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज और खासतौर से वो व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं जिनको सीधे सीधे भाजपा के जो आईटी सेल चलाते हैं वह या वैसे तमाम और लोग जे के बारे में जिस तरह की हिंसा की बातें नफरत की बातें फैला रहे हैं उनका काउंटर करना बहुत जरूरी है मैं आपको एक अपना वाक्य बताती हूं जो कल मेरे साथ हुआ एक बैंक के वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत में कर रही थी और उन्होंने खुलकर बोला कि जे पर तो और हिंसा होनी चाहिए वहां पर तो जम की पिटाई होनी चाहिए मैंने पूछा आखिर क्यों कहते वहां कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करते वहां सर्व लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं हमारा पैसा खाते हैं और देशद्रोही हरकतें करते हैं इसी तरह से कल दिन भर जब आम लोगों से बातचीत मैंने करने की कोशिश की चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, तो मैंने पाया कि तकरीबन अधिकांश लोगों के पास जे के खिलाफ नफरत भरे मैसेज पहुंचे हुए थे जे के बारे में जो एक सबसे बड़ा दुष्प्रचार किया जा रहा है कि यहाँ लोग बहुत सस्ते में पढ़ते हैं बहुत सस्ते में खाते हैं और इसलिए बहुत गैर जिम्मेदार हैं जे क्या करता है कहाँ तक कितने लोगों को नोबेल तक पहुँचाया है कहाँ तक पहुँचाया इसका ब्यौरा बहुत बड़ा है इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन जिस फीस की बढ़ोतरी के खिलाफ वहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी जरूरी है अभी जे में जो पढ़ते हैं छात्र उनको सत्ताईस से बत्तीस हजार रुपये सालाना देने पड़ते हैं जो मौजूदा वीसी हैं और जो पूरा प्रशासन है ने इसको बढ़ाकर अचानक ही हजार रुपए कर दिया गया है दिल्ली विश्वविद्यालय तक में इतनी फीस नहीं है। हैदराबाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहां पर चौदह हजार फीस है जेएनयू में जो पढ़ने वाले छात्र हैं चालीस फीसदी छात्र जो हैं, उनके परिवारों की जो सालाना आय है वह एक दशमलव चार लाख रुपए तक है यानी चालीस फीसदी छात्र जेएनयू के जो आते हैं वो बहुत ही कम आय वाले समूह से आते हैं ये सारे छात्र किसी खैरात में नहीं आते उनका दाखिला होता है एग्जाम्स देते हैं पास होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं अगर इस फीस को आ, मान लिया जाए और लागू कर दिया जाए तो इस समय सबसे महंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जे हो जाएगी एक कारण यहां के वी और यहां का प्रशासन एचआरडी मंत्रालय नहीं बता पाया कि वह जेएनयू की फीस इतनी अधिक क्यों बढ़ाना चाहता है इसी के खिलाफ यहां के छात्र इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं सस्ती शिक्षा पाने का हक क्या देश के खिलाफ है यह सवाल हमें और आपको अपने से भी पूछना चाहिए और उन तमाम लोगों से पूछना चाहिए जो जे को एक नए विलन के तौर पर पेश करना चाहते हैं यह छात्र चाहते हैं कि सस्ती शिक्षा सबको मिले क्या यह अपराध है क्या यह देश के विरोध में उठाया गया कदम है नहीं लेकिन तथ्यों को बिल्कुल गलत ढंग से जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज परोसती हैं और दिमाग में बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह धुलाई होती है तब सब जगह नफरत फैलती है और ऐसी ही नफरत जे के खिलाफ फैलाने की साजिश इस समय सरकार और सरकार की जो अनगिनत एजेंसियां हैं वो करने की कोशिश कर रही हैं इसे रोकना बहुत जरूरी है देश में सत्ता हिंसा पर उतारू है और इसका जो उदाहरण है इसकी जो नजीर है सिर्फ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या जेडीयू में ही नहीं या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एम में ही नहीं जामिया में नहीं हर जगह हमें देखने को मिल रही है दिसंबर से उत्तर प्रदेश का जो हाल है वो हम सबके सामने है उत्तर प्रदेश में 18-19 दिसंबर से जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ बरबर पुलिसिया दमन हुआ सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया जेल में डाला गया पिटाई हुई गोली लगी अनगिनत मौतें हुई वे हम सबके सामने हैं लेकिन उसी के साथ जो दूसरा काम उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत कर रही है उस पर बात होनी जरूरी है यहाँ पर निशाने पर उन संगठनों को लिया जा रहा है उन लोगों को लिया जा रहा है जो मानवाधिकार के लिए काम करते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं उनमें से कई वकील हैं कई पत्रकार रहे हैं ऐसा ही एक संगठन है रिहाई मंच रिहाई मंच जिसका नाम ही रिहाई है जो शुरू हुआ उस समय जब मायावती वहां पर शासन में थी उसके बाद अखिलेश जब यादव की सरकार रही समाजवादी पार्टी की उस समय उसने बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर किया उन बेकसूरों को छुड़ाने के लिए जिन्हें जेल में गलत ढंग के आरोप के तहत पकड़ा गया और इसके बाद जब योगी सरकार आई और इनकाउंटरों का दौर हुआ उस समय भी रिहाई मंच ने बहुत ही मजबूती के साथ इन फर्जी इंकाउंटरों को फर्जी इंकाउंटर बोला ऐसे लोगों के ब्यौरे सामने आए मीडिया तक पहुँचे जिनके घुटनों पर गोली मारी गई थी और उन्हें बताया गया था कि वे दुदांत अपराधी हैं ये सारी प्रक्रिया जब चल रही थी उस समय रिहाई मंच को ही संदिग्ध संगठन के तौर पर पेश करने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है हमने बातचीत की रिहाई मंच के जनरल सेक्रेटरी राजीव यादव से अभी बताइए कि अभी जो स्थिति है कम से कम 18 उन्नीस दिसंबर के बाद से अब तक रिहाई मंच निशाने पर है तमाम तरह के नरेटिव बिल्डअप किए जा रहे हैं कि आपका संबंध इस संगठन से है कश्मीर से पत्थरबाज आए ये जो सारा नरेटिव है इसको कैसे काउंटर आप करेंगे क्या आपकी रणनीति है देखिए जो ये नेरेटिव है ये नेरेटिव सिर्फ अभी नहीं शुरू हुआ जब 370 का जो सवाल आया उसके बाद जब हमने एक प्रोटेस्ट काल किया उस प्रोटेस्ट काल करने के बाद जो है इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट एडवोकेट मोहम्मद शोएब को पहली बार उत्तर प्रदेश में कोई हाउस अरेस्टिंग हुई तो उनकी हुई उसके बाद संदीप पांडे जी की हुई उसी दिन और उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं हम चलिए ठीक है हम आपको धरना करने देंगे फिर चार दिनों बाद सोलह तारीख को फिर जब हमने धरना करने की कोशिश किया तो फिर इन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया और इसके बाद एक बार हम लोग फैजाबाद जा रहे थे फिर रोकानो जब हमने पूछा कि भाई कि आप क्यों बार बार कर रहे हैं सीओ ओ एस से पूछा कि क्यों कर रहे हैं उन्होंने कहा कि तीन के बाद मुल्क बदल गया है और आप लोग विवादित हो चुके हैं ये हमारी एक विवादित छवि बनाना चाहते हैं और वो विवादित छवि ये जो आप उन्नीस तारीख के प्रदर्शन के बाद देख सकते हैं कि उस पूरी विवादित छवि का जो काम इनका था वो लगभग लगभग ये पूरा कर चुके हैं और जैसे कि वो जैसे ही वो घटना होती है वैसे ही उन्होंने कहते हैं कि इनका कश्मीर कनेक्शन है कश्मीर से पत्थरबाज बुला

इतना आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप कह रहे हैं कि हमारे ऊपर आरोप सही है तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी ओपी सिंह लगातार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो क्यों नहीं ऑफिशियल अपने ट्विटर हैंडल पे उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल पे या अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं डाल रहे हैं और लगातार ये बात जो कह रहे हैं कि धारा 144 लगी थी धारा से एक सामान्य सी चीज है धारा 144 बहुत बार इस देश में अगर ये धारा एक का ही सवाल रहता तो इस देश में अंग्रेजों के समय में अगर लोग लड़ते ही नहीं ये देश नहीं, आजाद तो में, होता मेरठ में तो एक साल से कुछ इलाकों में तो एक साल से लगी हुई है जी जी जैसे अब हम हर जगह ये छह महीने के बाद उसको एक्सटेंड कर देते हैं धारा को 40 लगा देते हैं प्याज जब सौ रुपए पे अटक कर हम सबको रुला रहा है महंगाई हम सबको परेशान कर रही है बेरोजगारी दर्द दे रही है ऐसे समय लोकतंत्र पे जो हमला है वह भी हमें तंग कर रहा है देश की आत्मा को खरोच रहा है जरूरी है कि जो सारे सवाल हमारे इर्द-गिर्द हैं इन सवालों को हम आपस में शेयर करें सामने रखें जो लोग अपने सवालों के साथ सड़कों पर हैं उनके साथ एक सहानुभूति करें और हिंसा को बरबर -बर हिंसा का जो दौर चल रहा है जो मॉब लिंचिंग का दौर चल रहा है इसे बड़े पैमाने पर नकारें यह करना हमारे और आपके दोनों के लिए जरूरी है सच के साथ खड़ा रहना ज़रूरी है इसलिए आपसे अपील है कि खोज खबर को देखते रहिए न्यूज़ क्लिक को लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सच को पहुंचाइए सच के ही रूप में आपका और हमारा बना रहेगा साथ शुक्रिया